वेलकम टू अवर चैनल एम ए बी एस स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे का क्या मतलब है? पहले तो हमें ये याद रखना है कि जो ये शीत युद्ध चल रहा था किन दो शक्तियों के बीच चल रहा था? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। और कब से कब तक चला? 1945 से लेकर 1991 तक, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर सोवियत संघ के विघटन तक, ठीक है। अब जब हम शीत युद्ध की बात करते हैं, शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये ऐसे क्षेत्रों से होता है जो विरोधी खेमों में बड़े जो देश थे जैसे यूएसएसआर और यूएसए, इनके बीच संकट के कई अवसर ऐसे आए जिनसे ऐसा लगा कि अभी विश्व युद्ध होने वाला है, यानी कि अभी तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। इनमें युद्ध भी हुए, कई जगह युद्ध की संभावनाएं भी बनी। अब आप कहेंगे कैसे संभावनाएं बनी? जो देश जिन देशों ने इन देशों के साथ संधि की थी, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर के साथ, तो उन देशों में भी कई युद्ध हुए, कई खूनी झड़पें भी हुई और कई जगह तो युद्ध की संभावनाएं बनी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ बच्चों? लेकिन ये बातें एक हद तक एक बड़े युद्ध को अंजाम नहीं दे पाई। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे कोरिया के बारे में हमने पढ़ा, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ देशों में तो युद्धों के कारण अधिक जन हानि भी हो गई थी, और शीत युद्ध के दौरान तो बहुत खूनी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। लेकिन जो ये संकट है इतना भारी नहीं हुआ कि तीसरा विश्व युद्ध का सामना करना पड़े, यानी कि तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले पाए। हम जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कोरिया के बारे में या बर्लिन की दीवार के बारे में, कांगो के बारे में, लेकिन ये सब तीसरे विश्व युद्ध का रूप नहीं ले पाए थे, ठीक है। और कुछ इन देशों के पास पावर भी ज़्यादा थी, चाहे ये यूएसए था या यूएसएसआर था। अगर ये एक दूसरे के साथ युद्ध करते तो दोनों तरफ से ही जनहानि ज़्यादा होती। जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर एक शक्तिशाली देश कमज़ोर देश पर आक्रमण करता है तो निश्चिंत उसकी जीत होती है, लेकिन जब दोनों शक्तियाँ बराबर की हो, यानी कि दोनों देश हैं चाहे दोनों संगठन हैं, अगर वो बराबर शक्तिशाली हैं तो इसमें युद्ध की अगर युद्ध होता है तो ज़्यादा विनाशकारी होता है, ठीक है। अब इनके बीच में जो मनमुटाव चला आ रहा था उनको दूर करने के लिए कई देशों ने पहल की थी, जैसे कि अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर और दक्षिणी कोरिया के बीच जो विवाद चल रहा था उसकी मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सचिव है उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि किसी तरीके जो ये गुटबंदी है उसे समाप्त किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है द्विध्रुवीयता को चुनौती, यानी कि गुटनिरपेक्षता। दो ध्रुव कौन थे? यूएसए और यूएसएसआर, यानी कि इन विश्व जो दो खेमों में बैठा हुआ था, ठीक है। इसी दौरान बच्चों क्या हुआ, जो नए स्वतंत्र देश थे जैसे कि अपना भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ, और श्रीलंका है 1948 में आज़ाद हुआ। अब उन देशों के सामने ये समस्या थी कि वो कौन से गुट में शामिल हों, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों को मैंने जैसे बताया कि विश्व के दो खेमों में बट गई थी, ऐसे में जो नव स्वतंत्र देश थे उनके सामने क्या था कि एक ये समस्या सामने आ गई थी कि अगर वो इनमें से किसी एक गुट में शामिल हो जाते हैं, मान लो वो यूएसए में शामिल हो जाते हैं या यूएसएसआर में शामिल हो जाते हैं, तो क्या होगा? वो तो फिर से गुलाम हो जाएंगे, है ना। क्योंकि आप ये बताइए कि अभी उन्होंने स्वतंत्रता ली थी, वो तो पहले ही किसी और देश के अधीन थे। अगर मान लीजिए वो इन गुटों में से किसी एक गुट का सदस्य बन जाते तो फिर से क्या होता? फिर से वो गुलाम हो जाते, ठीक है। इसी तो इन सब देशों ने क्या किया, ऐसी परिस्थितियों में इन देशों ने अपने आप को
दोनों गुटों से अलग रहने का फैसला लिया, क्योंकि अब भी इन देशों की आर्थिक स्थिति, इन्होंने अपने देश की आर्थिक स्थिति को भी सुधारना था, या फिर अपने देश की जो भी सामाजिक आर्थिक जो पक्ष इनके सामने थे उन समस्याओं को हल करना था। मान लीजिए किसी एक गुट में शामिल होते तो उनकी नीतियों का इनको अनुसरण करना पड़ता, ठीक है। तो इन स्थितियों में इन देशों ने इन दोनों गुटों से अलग रहने का फैसला लिया और इस फैसले को ही गुट निरपेक्ष के नाम से जाना गया। इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस कब रखी गई थी, 1955 के बांडुंग सम्मेलन में ही पड़ चुकी थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टीटो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। और इनके इन विचारों को बल यानी कि सहयोग किसने दिया था, इंडोनेशिया के सुकर्णो ने और घाना के वाने एमा क्रुमा ने, यानी इन सब ने मिलकर गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। ओके, अब बात करते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। इसका प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। जब गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ तो इसके सदस्य देश कितने थे, 25 सदस्य देश थे। और इसका जो 14वां सम्मेलन है वो 2005 में क्यूबा में हुआ था, ठीक है। और इस सम्मेलन में 116 सदस्य देश शामिल हुए थे। बच्चों आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं कि गुट निरपेक्षता की जो आंदोलन चला था या उसके प्रमुख नेता कौन थे, ठीक है। और पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1961 में बेलग्रेड में, और उस समय इसके सदस्य देश थे 25, ठीक है। और आपको मुझे बताना है कि अब तक गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है इसके कितने सम्मेलन हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन से भारत को क्या लाभ हुए थे। तो सबसे पहला लाभ हुआ था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर ले पाया, यानी कि पहले भारत अधीन था, ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र नहीं था। जब उसे आज़ादी मिली तो वो अपने अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर ले पाया। मान लीजिए अगर भारत इनमें से यूएसए या यूएसएसआर का सदस्य बन जाता तो क्या वो अपने अंतर्राष्ट्रीय फैसलों को स्वतंत्र होकर ले सकता था, नहीं। और दूसरा है भारत गुलाम होने से बच गया। हाँ, अगर भारत इन दोनों गुटों में से एक गुट का भी सदस्य बनता तो उसे उसकी नीतियों का अनुसरण करना पड़ता, फिर क्या होता, वही हालात होते कि जो हम पहले पराधीन थे, हम फिर से वही बात होती क्योंकि हमें दूसरे देशों का की नीति का अनुसरण करना पड़ा। भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई एक महाशक्ति इनके खिलाफ हो जाती है तो वह दूसरे के करीब आ सकता था। कि अब भारत ऐसी स्थिति में हो गया था कि अगर कोई महाशक्ति यानी यूएसएसआर भारत पर आक्रमण कर दे तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में भारत यूएसए के साथ जा सकता था, है ना। और दूसरा अपनी संप्रभुता को बरकरार रख सका कि अपनी जो आज़ादी है उसको बरकरार, अपने जो निर्णय लेने के फैसले हैं उसको बरकरार रख सका। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।